सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 40 कमर और 40 ही हिप, कमर और हिप दोनों बराबर इस साइज की पैंट काट के बताऊंगा। ये पैंट दो पार्ट में काट के बताऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए दो पार्ट में काट के बताऊंगा। आप लोग दूसरे पार्ट को भी देखा करो, दूसरे पार्ट को आप लोग देखते नहीं हो और फिर पूरा फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता है। फार्मूले को समझने के लिए दोनों पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट करते हैं। इसकी लंबाई है 41, कमर 46, हिप 46 और इसकी मोहरी करेंगे हम 18। हैवी साइज की पैंट है, 18 मोहरी कम से कम होना चाहिए। इसका आसन जो है, इसकी लटक हम हिप से ही निकालेंगे। लटक निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप गिदरी का नाप लीजिए। लंबाई और गिदरी में जितना फर्क होता है वो आपकी लटक होती है। लेकिन मान लो आपने गिदरी का नाप नहीं लिया तो आप हिप से लटक निकाल सकते हो। तो इस साइज की हमने ये पैंट काटनी है। अब सबसे पहले ये ऊपर हम एक निशान लगा लेते हैं। और ये 1 इंच बेल्ट का निकाल के और ये लंबाई हम रखेंगे 41 और 2.5 इंच का ये इसमें हम मार्जिन रखेंगे। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर, अगर हमने 1.5 इंच का बेल्ट लगाना हो तो कितना लेंगे। अब देखिए, 1.25 इंच के बेल्ट के लिए हम 1 इंच ऊपर निकालते हैं बेल्ट का, और 1.5 इंच के बेल्ट के लिए हम 1.25 इंच ऊपर निकालेंगे। ये बात कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि 1.5 इंच के बेल्ट में हम ऊपर कितना निकालें। तो 1.5 इंच के बेल्ट में आप 1.25 इंच ऊपर निकालेंगे और 1.25 इंच के बेल्ट में आप 1 इंच ऊपर निकालेंगे। तो ये 1.25 इंच का बेल्ट ज़्यादातर 1.25 इंच का ही लगता है, लेकिन अगर कोई 1.5 इंच का निकालना चाहे तो उसमें आप 1.25 इंच ऊपर निकालिए। अगर कोई 2 इंच का बेल्ट निकालना चाहे तो उसमें आप 1.5 इंच से 1 सू ज़्यादा, इतना ऊपर आप निकालिए। लेकिन आमतौर पर 1.25 इंच का ही बेल्ट लगता है। तो ये हमने 1 इंच बेल्ट का ऊपर से निकाल दिया है। अब इसकी हम लटक निकालेंगे। अब लटक इसका हिप है 46 इंच, कमर भी 46, हिप भी 46। अब 46 का 1/4 कितना हुआ? 46 का 1/4 हो गया आपका 11 चौक 44, 11.5। 11.5 ये आपका 1/4 हो गया, और एक 1/2 इंच का इसके अंदर हम दबाव देंगे, यानी 12 इंच। ये जो 1/2 इंच बेल्ट में दबता है उसका ये हमने 1/2 इंच लिया है। तो ये 12 इंच इसकी लटक हो गई है, हिप का 1/4 प्लस 1/2 इंच मार्जिन। ये आपको लटक का हिसाब रखना है। ये हमारी लटक होगी। अब ये नीचे का भी निशान लगा लें। नीचे का निशान हमेशा पैंट का ये ऐसे टेपर करके लगाना चाहिए। ये टेपर कम से कम 1/4 इंच की, 1/2 इंच की या 1/4 इंच की ये टेपर होनी चाहिए। ये टेपर हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी प्रेस वर्क करते वक्त जो गिदरी का है वो टाइट ना पड़े, खिंचे नहीं। अब इसके घुटने का निशान हम लगाएंगे। अब घुटने का निशान ये देखिए, हमारी लटक का निशान और लंबाई का निशान 29 है, ये 29 है। अब इसका सेंटर कितना हुआ? 14.5 इसका सेंटर हो गया। और हैवी साइज की पैंट है, हम इसको 3 इंच ऊपर नहीं लेंगे, हम इसको 2.5 इंच ऊपर लेंगे। अगर ज़्यादा लूज फिटिंग की पैंट है तो आप 2 इंच ऊपर लीजिए, यानी 14.5 और 2 16। लेकिन ये मीडियम पैंट है इसलिए हम इसको 2.5 इंच लेंगे। अब ये तीनों फॉर्मेट में समझ लीजिए, लूज फिटिंग में 2 इंच ऊपर सेंटर से, 2 इंच ऊपर, मीडियम फिटिंग में सेंटर से 2.5 इंच ऊपर, और टाइट फिटिंग में आप सेंटर से 3 इंच ऊपर लेंगे। यानी ये 29 है, 14.5 और 2.5, ये 17 इंच हम ये घुटने का निशान लगाएंगे। अगर ये लूज फिटिंग होती तो 2 इंच ऊपर लेते, 14.5 और 2 16,
टाइट फिटिंग होती तो ये 3 इंच ऊपर लेते, 14.5 और 3 17.5 ऐसे लेते। लेकिन ये मीडियम फिटिंग की ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मीडियम फिटिंग में हमने 2.5 इंच ऊपर ले लिया है। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब यहाँ से हम एक 1/2 इंच का ये निशान लगाएंगे, ये 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हिप का 1/3 कितना हो गया, 15 × 45 46 का 1/3 कितना हो गया, 15 में टाइट फिटिंग में हम 1/3 से 1 इंच कम करते हैं, मीडियम फिटिंग में 1/2 इंच कम करते हैं और लूज फिटिंग में पूरा हिप का 1/3 रखते हैं। अब इसमें मीडियम फिटिंग में हम 1/2 इंच कम करेंगे, यानी 15 एक सूत बनता है, 15 एक सूत से हम 1/2 इंच कम करेंगे तो ये 15 से एक सूत कम हो जाएगा, ये 15 से एक सूत कम हो जाएगा और 1.25 इंच का इसका फाग हो गया, ये 1.25 इंच का फाग हो गया और ये 7.5 से 1/2 सूत कम ये इसका सेंटर हो गया। अब ये सेंटर से ये देख लिए, ये है 7.25, तो ये 7.25 पे आप सेंटर लगाइए, ये सेंटर लगाइए, इसकी हम क्रॉस क्रीज बनाएंगे। क्रॉस क्रीज का मतलब क्या होता है कि हम इस सेंटर को पीछे हटाएंगे और हम 2 इंच तक इसको हम पीछे हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गिदरी सही ढंग से नहीं जोड़ पाते हैं तो आपकी क्रीज घूम जाएगी। आप सेंटर को अगर हटाते हैं तो आपको गिदरी को बहुत ही अच्छे ढंग से जोड़ना पड़ेगा। एक मैंने पैंट की बॉडी बनाने का वीडियो डाला हुआ है, 64 नंबर या 65 नंबर वीडियो है वो, उसको आप देखेंगे पैंट की बॉडी बनाने का, तो उसमें मैंने गिदरी को जोड़ने का फॉर्मूला बताया है। अगर आप 2 इंच पीछे हटाएं तो उस फॉर्मूले से आप गिदरी जोड़िए, आपकी क्रीज नहीं घूमेगी। अगर आप सेंटर से ये हटा लेंगे और ऐसे ही गिदरी जोड़ देंगे तो आपकी क्रीज घूम जाएगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर आप सेंटर आउट करते हैं, सेंटर को आप 2 इंच पीछे लेते हैं तो आपको गिदरी को बड़े ध्यान से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी क्रीज घूम जाएगी। हैवी साइज की पैंटें पीछे लेते हैं, सेंटर को हम पीछे लेते हैं लेकिन गिदरी को बड़ा ध्यान से जोड़ते हैं। 64 या 65 नंबर वीडियो है पैंट की गिदरी जोड़ने का, अब वो उस वीडियो को आप देखिए और इतनी हैवी साइज पैंट की गिदरी को उसके हिसाब से उसको फॉलो करिए, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप गिदरी को जोड़ेंगे, आपकी क्रीज एकदम सेंटर में आएगी, बहुत बढ़िया क्रीज आएगी। क्रॉस क्रीज होने के बावजूद भी आपकी क्रीज सेंटर में आएगी। तो ये हम 2 इंच पीछे हटा लेते हैं, ये हम सेंटर बनाएंगे, ये सेंटर बनाएंगे। अब ये सेंटर बनाएंगे तो ये हम ये देखिए, ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, ये हमने जो बनाया सेंटर है इसको हम ये देखिए कितना क्रॉस हो गया, 2 इंच क्रॉस हो गया। अब ये यहाँ पे हम घुटने का निशान लगा लेंगे, ऐसे करके हमें घुटने का निशान लगाना है। अगर हम ये ऐसे लगाते हैं तो यहाँ से 1 इंच का फर्क पड़ जाता है, ये देखिए ये 1 इंच का फर्क पड़ गया, अब ये 1 इंच क्रॉस हो गया। लेकिन हमने सेंटर रखना है ये सेंटर रखना है 2 इंच पीछे वाला, तो ये हमारा घुटने का ये सेंटर आ गया। अब इसकी मोहरी है 18 15 4.5 इधर और 4.5 इधर, 9 इंच, ये होगी हमारी मोहरी 18। अब घुटना देखिए, मैंने घुटने का भी फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर पैंट फुल लूज हो तो घुटना हिप का 1/2 रख दीजिए, 46 हिप का 23 है। अगर आप लूज फिटिंग काटें तो ये घुटना 23 रखेंगे, पूरा हिप का 1/2, पूरा 23 रखेंगे। अगर ये मीडियम फिटिंग है तो हिप का 1/2 23 से 1/2 इंच भी कम रख सकते हैं, 1 इंच भी कम रख सकते हैं। और अगर ये टाइट फिटिंग है तो आप 1 से 2 इंच तक आप घुटना कम कर सकते हैं,
तो ये मीडियम फिटिंग है, तो इसमें हम आधा इंच कम, आधा इंच, पौना इंच, एक इंच, ये तीन टाइप के आप कम कर सकते हैं। तो ये 23 का आधा इंच कम यानी 22.5, ये हमारा सेंटर का निशान है, ये नहीं है, ये सेंटर का निशान है 22.5। ये 5.5 से 1 सू ज़्यादा और ये हो गया 11.25। घुटने का निशान हो गया हमारा। अब पहले हम स्क्वेयर से हम ये निशान लगा लेते हैं। इस निशान को थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, हल्का सा इसको भी बाहर निकालिए, ये तकरीबन सीधा ही है। और इसको हम सेफ पट्टी से लेंगे, जहां भी हमारी सेफ आएगी सेफ पट्टी से लेंगे। इसमें हम ये सेफ पट्टी लगाएंगे, जो ज्यादा सेफ वाली सेफ पट्टी है उससे हम ये निशान लगाएंगे। ये देखिए अपने आप बैठ गया, सेफ पट्टी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, अपने आप निशान आ जाता है। और इधर से भी हम इसी से नीचे से ये लेंगे। अब बहुत से लोग गिदरी को नहीं समझते, देखिए गिदरी को बहुत से लोग नहीं समझते। जो लोग गिदरी को नहीं समझते उसको मैं बता देता हूं, ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं पास, ये होती है पास, हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं पास। ये जो होता है हमारा इसको बोलते हैं गिदरी। गिदरी ये हमारी गिदरी है, ये हमारा पास है। जब आपको आप नाप लें, मेजरमेंट लें, तो आप ये जो लंबाई होती है इस लंबाई से गिदरी को नाप लीजिए, ताकि आपकी लटक प्रॉपर निकल जाए। लटक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लंबाई नापिए और उसके बाद आप गिदरी नापिए, गिदरी फाग तक, ये फाग तक आप गिदरी का नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको लटक आपकी प्रॉपर निकल जाएगी। हिप के हिसाब से भी आप लटक निकाल सकते हैं। तो ये पास है, ये गिदरी है। जिन लोगों को गिदरी के बारे में नहीं मालूम वो समझ ले अच्छी तरह, ये गिदरी का निशान है। अब हम इस निशान से, इस सेफ पट्टी से ये हम यहाँ पे ये सीधा निशान लेंगे, ये हल्की सी सेफ रहेगी यहाँ पे, बिल्कुल हल्की सी, और यहाँ से हम ये सीधा निशान लेंगे। ये हमने सीधा निशान ले लिया, ये सेफ भी आ गई और सीधा भी हो गया। अब यहाँ से हमने, देखिए हमने यहाँ से ऐसे नहीं नापना, हमने ऐसे नापना है कमर। अब 46 कमर है, तो 46 कमर 1/4 कितना हो गया, 46 का 11.5, तो ये 11.5 ये तो हो गया इसका 1/4, पौना इंच इसका दबाव हो गया। अब 11.5 और पौना 12.25, ये 12.25 इंच ये हमारा फ्लाई का निशान हो गया। अब इस निशान को और इस निशान को हम मिला देंगे। ये 46 कमर, अब ये निशान हमने मिला दिया, ये हमारा दबाव है, ये हमारा 1/4 है। अब इसमें आप क्रॉस पॉकेट लगाएं या सीधी पॉकेट लगाएं, ये आपकी मर्जी है। ये क्रॉस पॉकेट होगी, सीधी लगाना चाहें तो सीधी का निशान ये है कि यहाँ से इतनी हैवी साइज में यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाइए ऊपर से, और ये आप जितना मुंह रखना चाहें, 6.5 या 7, 6.5 इंच का बहुत होता है, 6.5 इंच ये किया। ये हमारी सीधी पॉकेट का निशान हो गया, ये हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान हो गया। अब इसको देखिए, अब समझिए कि हम इसको डाउन कितना करें, क्योंकि ये तो सीधा है, पेट पे तो ये बंधेगी नहीं, पेट के नीचे की पेंट है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये अब ये पेट के नीचे की पैंट है, पेट पे तो ये बननी नहीं है। अब इसका हम डाउन कितना करें, सवाल ये है। मैं एक पैंट और हैवी साइज की 48 या 50 कमर की हैवी साइज की पैंट काटूंगा, उसमें मैं आपको पूरा फार्मूला बताऊंगा
कि हमने ये कितना डाउन करना है। वैसे आधा इंच हम नॉर्मल डाउन करते हैं, लेकिन पेट हो तो हम पौना इंच, एक इंच, सवा इंच, डेढ़ इंच, पौने दो इंच, दो इंच तक हम डाउन कर सकते हैं हैवी साइज में। वो मैं एक पैंट में और बताऊंगा जिसमें बहुत हैवी साइज हो और बहुत हैवी पेट और उसके नीचे जो पैंट बांधनी है उसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। कम सेफ वाली पट्टी है, इससे हम इसका सामना डाउन करेंगे और इस साइड से करेंगे। एक इंच कम से कम डाउन करेंगे क्योंकि हैवी साइज है। इतना हैवी साइज में पेट कमर से अगर 46 पेट है, अगर 46 कमर है तो 48 या 50 पेट उसका जरूर मिलेगा। तो ये हम एक इंच कम से कम इसको हम डाउन करेंगे। ये हमारा फाग हो गया, ये हमारा फाग हो गया। ये इसका फ्रंट हो गया, अब इसकी बैक काटेंगे। मैं ये कपड़ा बताना भूल गया, इसमें कितना कपड़ा लगता है। इसमें आप 1/30 तो कम से कम लीजिए, अगर 1/35 हो जाए तो और भी अच्छा है क्योंकि बैक में कम जोड़ आएगा। तो ये 1/30 ये मैंने कपड़ा लिया है। अब ये फ्रंट हो गया, अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए ताकि यहाँ पे बैक में जोड़ कम से कम आए। सबसे पहले हमने ये जितना डाउन किया है, ये हमने 1 इंच डाउन किया है, तो ये 1 इंच का आप निशान लगाइए। हम जो बैक उठाएंगे वो इस डाउन के निशान से नहीं उठाएंगे। आप गौर से सुनिए इस बात को, हम जो बैक को उठाएंगे वो इस निशान से नहीं उठाएंगे, डाउन निशान से। ये जो इसका एक्चुअल जो सीधा निशान था, ये देखिए, ये इसका सीधा निशान था, ये सामने का सीधा निशान था। हमने बैक को इस निशान से उठाना है, इसने इस डाउन निशान से नहीं उठाना है। अब यहां से हम बैक को कितनी उठाएंगे, हैवी साइज है, कम से कम हम बैक को 1.5 इंच उठाएंगे। 1.5 इंच से कम नहीं उठाएंगे, आप 1.25 भी उठा सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज में हमेशा बैठते वक्त पैंट पीछे से नीचे खिसक जाती है। तो आप वो क्यों खिसकती है, वो इसीलिए खिसकती है कि यहां से आप बैक को कम उठाते हैं। इसको हम कम से कम 1.5 इंच उठाएंगे, 1.25 भी उठा सकते हैं। आप 1.25 भी उठा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये मैं इसको 1.5 इंच ही उठाऊंगा, ये 1.5 इंच उठाऊंगा। ये हमारा सामने का निशान है, इस सामने का, बैक का नहीं है। ये हमने, ये समझाने के लिए मैंने निशान लगाया है, हमने इस निशान से बैक को उठाना है, डाउन वाले निशान से नहीं उठाना है। अब ये मैं पहले ये सीधा बैक का निशान लगा देता हूँ। अब बैक का निशान हमने ये निशान लगाना है, ये हमारा बैक का निशान हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए लगाया था, ये सामने का निशान है, ये बैक का निशान है। अब यहां से ये देखिए, इस निशान से हम आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, ये आधा इंच नीचे निशान हो गया,
और इसको हमने ये पूरा लगा दिया। यहाँ से ये हमारा घुटने का निशान है, इसको भी हम उठा लेते हैं, और ये हमारा मोहरी का निशान है, इसको भी हम उठा लेते हैं। अब ये डेढ़ इंच, ये भी डेढ़ इंच। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी डेढ़ इंच फालतू क्यों लेते हैं आप बैग को, सवा इंच क्यों नहीं लेते, या पौने दो इंच क्यों नहीं लेते, या दो इंच क्यों नहीं लेते। तो ये डेढ़ इंच इसलिए लेते हैं कि ये डेढ़ इंच दबाव होता है सामने का और बैक का, तीन सूत सामना दबेगा इधर से, तीन सूत बैक, कितना हो गया पौना इंच, पौना इंच इधर से, पौना इंच इधर से, तो डेढ़ इंच आपका दोनों साइड से, गिदरी साइड से पौना इंच और पौना इंच पास साइड से आपका दब गया तो डेढ़ इंच हो गया। तो इसलिए हम ये डेढ़ इंच जो दबने वाला दबाव होता है उसके लिए हम ये डेढ़ इंच ज़्यादा लेते हैं। पौने दो इंच लेने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपकी सेफ खराब हो जाएगी, सवा इंच लेंगे तो भी आपकी सेफ खराब हो जाएगी। आप जितना यहाँ से दबाएंगे गिदरी से और पास से उतना ही फालतू आपने लेना है। आपने दो इंच दबाना है तो आप दो इंच फालतू लीजिए, आपने सवा इंच दबाना है तो आप सवा इंच फालतू लीजिए। लेकिन आमतौर पर एक पैर की सिलाई लगती है, तीन सूत की सिलाई लगती है, इसलिए डेढ़ इंच ही बनता है, इसलिए ये डेढ़ इंच हमने हम ज़्यादा रखते हैं। अब ये मैं सीधा निशान लगा देता हूँ जैसे हमने सामने में लगाया था। ये एक ऐसा पॉइंट है, आप इसको मीडियम फिटिंग में कम से कम तीन इंच तो आप रखिए ही रखिए। कोई भी साइज हो, आप हल्के साइज होते हैं जैसे 40 इंच पे, 39 इंच पे, उसमें आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन तीन रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल आएगी। अब ये हैवी साइज है, इसमें हम इसको 3.5 रखेंगे, ये 3.5 रखेंगे। और अगर ज़्यादा इससे भी ज़्यादा हैवी है, जैसे 50-54 या 55-56 हिप की पैंट है, तो आप इसको 4 इंच भी रखिए, 4 इंच, क्योंकि ये कभी आप ज़्यादा रखेंगे कभी अल्ट्रेशन नहीं देता, ये चलने फिरने में बल्कि आरामदायक होता है। तो इसलिए हमने ये 3.5 इंच का रखा है। अब ये जो ज़्यादा सेफ वाली पट्टी है, इससे हम ये निशान ये मिला देंगे, ये पहले ये थोड़ा सा ऊपर तक, ये ऐसी लीजिए और अब ये ऐसी लीजिए, ये हमारा बैक की किदरी का निशान हो गया। अब यहाँ से एक सीधा निशान लगाइए, ये पास साइड से आप ये सीधा ऐसे निशान लगाइए, ये बिल्कुल सीधा निशान हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ से आप कमर का देखिए, कमर का 1/4 कितना है, 11.5, तो ये 11.5, पहले तो ये तीन सूत का दबाव यहाँ रखिए, यहाँ ये तीन सूत का दबाव रखिए, क्योंकि पास की साइड में ये तीन सूत दबेगा पैक। अब ये तीन सूत से आगे 1/4 कितना हुआ, 11.5, ये 11.5 रखिए। और आपने एक डट डालनी है पीछे, तो ये 1/4 इंच की डट, कम से कम 1 इंच की डट आप कम से कम डालेंगे, तो ये 1 इंच की डट का ये ले लिए, आप 1/4 इंच भी ले सकते हैं, तो 1 इंच कम से कम 1 इंच की डट तो आपको डालनी पड़ेगी। अब ये, अब देखिए, मैंने बहुत पेंटों में बताया है कि हिप का लूजिंग के हिसाब से यहाँ से ये 1/2 इंच नीचे उतार के आप सीट का निशान लगाएंगे तो आपकी लूजिंग अच्छी आएगी। लेकिन ये जितनी ज़्यादा ऊपर पैंट उठगी सामने से, ये देखिए सामने से ये 1.5 इंच उठगी, तो हमें इसको 1/2 इंच नीचे नहीं उतारना, इस निशान पे बिल्कुल सीधा स्क्वायर रखना है, इस निशान पे ये बिल्कुल सीधा स्क्वायर रखना है, और ये जो आपका निशान है इससे हमने ये सीट का निशान लगा देना है। आपका हिप एकदम एक्यूरेट बराबर आएगा। अब मैं आपको ये नाप के दिखा देता हूँ कि हिप कितनी लूजिंग हमें हिप में मिल रही है। अब पहले ये सीट का निशान लगा देता हूँ कंप्लीट, ये हमारा सीट का निशान हो गया। और हिप, अब देखिए मैं लूजिंग नाप के दिखाता हूँ आपको, हिप हमारा होता है ये आसन के निशान से 3 इंच करीब ऊपर, 2.5 इंच भी ऊपर होता है, आप 3 इंच भी लगा सकते हो, तो ये 2.5 इंच तो आप कम से कम लगाइए ही लगाइए, ये 3 इंच भी लगा सकते हैं आप, ये 3 इंच पर लगा लीजिए निशान,
ये हमारा यहाँ से 3 इंच लगाइए, ये हमारा हिप आ जाता है, यहाँ से हिप शुरू होता है। अब देखिए अब हमें हिप कितना तैयार मिलता है, यहाँ से दबाव निकाल दीजिए 3 सूत और 3 सूत यहाँ से दबाव निकाल दीजिए। अब ये कितना है, ये है हमारा 12 इंच, 12.25 मान लीजिए, ये 12.25 है। अब यहाँ से इसी निशान से आप 12.25 को ऐसे पकड़िए, ये हमने ऐसे पकड़ा और ये सीट के निशान से देख लीजिए कितना आ गया, ये सीट के निशान से हमारा ये आ गया 49, यानी 49 आ गया हमारा 49। हिप हमारा कितना है 46, तो हमें लूजिंग कितनी मिलगी 3.25 इंच की लूजिंग तैयार मिल जाती है, 3.25 इंच की मीडियम फिटिंग की 3 इंच की लूजिंग होती है, लूज फिटिंग की 4 इंच की लूजिंग होती है और टाइट फिटिंग की 2 इंच की लूजिंग होती है। तो ये आपको 3 इंच की लूजिंग तो मिल रही है, 2 सूज ज़्यादा ही मिल रही है, वो आप कम ज़्यादा कहीं से भी दबा सकते हैं तो आपको 3 इंच की लूजिंग बराबर मिलेगी। तो ये जो बिल्कुल इस निशान के सीधा आपने जो सीट का निशान लगाया है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये फार्मूला बहुत बढ़िया है, इसी फार्मूले से आप लगाएंगे तो ये आपका, अगर ये 0.5 इंच डाउन होता, अगर ये इतना डाउन होता तो हम देखिए, मैं बहुत बारीक बातें बता रहा हूँ, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर ये सामना 0.5 इंच डाउन होता, ये यहाँ से ये 0.5 इंच डाउन होता और बैक हमने 1 इंच उठाई होती तो हम क्या करते, 1 इंच उठाई होती तो हम करते कि इससे ये जो 1 इंच का निशान है इसको हम ऐसे लेते और इसको ऐसे 0.5 इंच नीचे लेके आते, ऐसे 0.5 इंच नीचे लेके आते तो ये निशान सीट का वहीं पे आएगा। ये देख लीजिए 0.5 इंच नीचे लेने के बाद ये सीट का निशान वहीं पे आ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसमें एक ये प्लेट डाल देते हैं, ये 1 इंच की ये डट होगी और ये पॉकेट होगी। अब बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं जी डट हमें कहाँ डालनी चाहिए। देखिए ये जो पॉकेट होती है, पहले आप पॉकेट का निशान लगाइए, ये ऐसे डट का निशान लगा, पहले आप पॉकेट का निशान लगाइए। पॉकेट हमारी इस हैवी साइज में कम से कम 2.5 इंच दूर होनी चाहिए, ये 2.5 इंच। अगर कम साइज है, कम कमर है, 34 है 32 है, तो आप 1.5 2 2.25 कमर के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन ये कमर ज़्यादा है तो ये हमने 2.5 इंच पे ये निशान लगाया और पॉकेट आएगी इसकी 5 इंच। अब 5 इंच का सेंटर ये हो गया 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, ये डट सेंटर में नहीं आनी चाहिए। सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पे काज होता है, इसलिए ये डट दिक्कत करेगी, काज नहीं हो पाएगा। तो इस सेंटर से, पॉकेट के सेंटर से ये डट इधर पास की साइड में आनी चाहिए, जैसे ये आई है, ये सेंटर है, ये डट है, इस हिसाब से आप डट डालेंगे। तो जो लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर ये डट कहाँ होनी चाहिए, पॉकेट से, इस पास से पॉकेट का की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये कमर के हिसाब से दूरी बनाइए और ये सेंटर से डट इधर रखिए। ये हो गया, अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये इसमें हम जोड़ लगाएंगे, ये हम ये जोड़ लगाएंगे। अब ये जोड़ हमने ये दबाव रख के लगाना है, ये दबाव हमने देना है, जितना हमारा दबेगा उतना हम इसके नीचे रखेंगे और ये करके इससे पट्टी से इसको हम मिला देंगे। ये हमारा जोड़ हो गया। ये हैवी साइज है, कभी भी लूज करनी पड़ सकती है,
इसलिए इसको हम जहां से दबाव रख के काटेंगे यहां से भी आप पास तक ये निशान लगा लीजिए दबाव का। यहां तक भी हम इसमें दबाव रखेंगे, मान लो यहां से भी हम लूज करके, लूज नहीं होती है, कई बार टाइट पड़ जाती है पैंट, काफी दिनों के बाद 2-4 महीने पहनने के बाद टाइट पड़ जाती है, कपड़ा सिकुड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये आपकी हैवी साइज की पैंट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों ये थी 46 कमर और 46 हिप की पैंट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।